हेलो दोस्तों, एबी स्टूडियोज़ में आपका स्वागत है। आज हम Xiaomi की तरफ से Redmi Note 4 और Lenovo की तरफ से P2 को कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो हमको दोनों ही फ़ोन 5.5 इंच के स्क्रीन पे मिलते हैं और दोनों ही मेटल बेल्ट हैं और बहुत अच्छे, बहुत प्रीमियम फ़ोन से अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो। और दोनों ही मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किए हैं 13,000 रुपीज़ में। मेरे पास जो Redmi Note 4 का वर्जन है वो 64 इंटरनल और 4GB रैम का है और जो Lenovo P2 है वो 3GB रैम और 32 इंटरनल का है। अगर हम बटन्स की बात करते हैं तो हमको राइट साइड में वॉल्यूम लॉकर और पावर बटन मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। ऊपर की तरफ देखते हैं हम तो दोनों में ही हमको 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है, सेकेंडरी नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिलता है, लेकिन हमको यहाँ पर Redmi Note 4 में IR ब्लास्टर भी दिखता है जो कि Lenovo P2 में नहीं है। और अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो लेफ़्ट साइड में हमको सिम इजेक्टिंग ट्रे मिलती है दोनों ही फ़ोन्स में, लेकिन यहाँ Lenovo P2 में हमको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड मिलता है जो हमको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। और अगर हम बॉटम में आते हैं तो हमको बॉटम में दो स्पीकर्स दिख रहे हैं, लेकिन दोनों ही फ़ोन्स में सिर्फ राइट साइड वाला स्पीकर काम करता है, ये वाला। और दोनों ही फ़ोन्स में हमको USB टाइप भी मिलता है, दैट इज़ माइक्रो USB, और लेफ्ट साइड वाला सिर्फ शो के लिए है, वो प्राइमरी माइक्रोफोन है। और बैक पे अगर हम आते हैं तो हमको दोनों में ही 13MP का कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पे नहीं फ्रंट में मिलता है एज अ बटन, होम बटन, लेकिन हमको Redmi Note 4 में यहाँ पे हमको सेपरेट बैक साइड में एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। और दोनों में ही हमको डुअल टोन LED फ्लैश मिलता है। और अगर हम फ्रंट में आते हैं तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन मिलता है Lenovo P2 में, लेकिन हमको Redmi Note 4 में 3 कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं जो कि लाइट अप होते हैं जब हम यूज़ करेंगे। और यहाँ की बात करें Lenovo P2 की बात करें तो हमको यहाँ पे ऑन स्क्रीन बटन्स का कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। अगर हम फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं तो दोनों में ही फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छा दिया गया है कंपनी के द्वारा। दोनों ही फिंगरप्रिंट सेंसर विद इन 1 सेकेंड्स में क्विकली फ़ोन अनलॉक कर देते हैं। और अगर हम डिस्प्ले की बात पे आते हैं तो हमको दोनों में ही 1080 पिक्सल का डिस्प्ले मिलता है। यहाँ हमको Redmi Note 4 में IPS डिस्प्ले मिलता है और हमको Lenovo P2 में हमको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि सैमसंग के द्वारा बहुत प्रीमियम फ़ोन्स में मिलता है जैसे कि S7, S8, लेकिन यहाँ पे हमको Lenovo P2 में भी दिया गया है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो हमको बैटरी में यहाँ पे Lenovo P2 में हमको 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि बहुत ही मैसिव है। और यहाँ पे हमको कंपनी की तरफ से इसमें फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है 24 वाट्स का जो कि इस फ़ोन को 1.5 घंटे 0 to 100 चार्ज कर देता है। लेकिन अगर हम Redmi Note 4 की चार्जिंग की बात करते हैं और बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 4000mAh की बैटरी मिलती है और कंपनी की तरफ से कोई भी फास्ट चार्जर प्रोवाइडेड नहीं है। तो ये फ़ोन 0 to 100 होने में अराउंड 2 hours 40 minutes लगाता है और यहाँ पे हमको फास्ट चार्ज का सपोर्ट नहीं दिया गया तो बहुत टाइम लग रहा है फ़ोन को चार्ज होने में। और बैटरी बैकअप की बात करते हैं हम दोनों फ़ोन्स में तो हमको ऑब्वियसली 5000mAh जो Lenovo P2 में है बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है। मेरे को अराउंड 2 दिन में 1 बार फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम मैं Redmi Note 4 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को 1.5 दिन बाद ही फ़ोन चार्ज करने की आवश्यकता हो जाती है। अगर हम फिर कैमरा के डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमको दोनों ही फ़ोन्स में 13MP का कैमरा मिलता है, लेकिन हमको Lenovo P2 में डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन का प्रोवाइडेड है और यहाँ पे हमको 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्टेड है Lenovo P2 में, लेकिन हमको ये Redmi Note 4 में 4K प्रोवाइडेड नहीं है। यहाँ पे हमको सिर्फ 1080 तक प्रोवाइडेड है जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट है आजकल के फ़ोन के लिए, क्योंकि 1080 से बहुत आगे चली गई है दुनिया। 4K तक आजकल सारे फ़ोन्स ही सपोर्ट कर रहे हैं और Redmi को भी ये देना चाहिए था। और अगर हम कैमरा डिपार्टमेंट से हट के अगर हम हार्डवेयर डिपार्टमेंट में आते हैं अभी, तो हार्डवेयर डिपार्टमेंट में हमको दोनों ही फ़ोन्स में सेम चिपसेट मिलता है जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है जो कि 2 GHz क्लॉक्ड है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर हम रैम मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ Redmi Note 4 में 4GB है और Lenovo P2 में मेरे पास 3GB वेरिएंट है, तो रैम का हम कंपैरिजन अभी नहीं करेंगे। और अगर प्राइस में आते हैं हम तो प्राइस दोनों ही फ़ोन्स का, Redmi Note 4 तो हमको फ्लैश सेल में मिलता है तो इसका प्राइस एकदम फिक्स्ड रहता है 13,000, लेकिन अगर हम Lenovo P2 की बात करते हैं तो उसका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने जब ये फ़ोन खरीदा था तो 13,000 मेरे को मिला था, लेकिन इससे 2-3 दिन पहले तक ये फ़ोन 16-17,000 पे ऊपर नीचे हो रहा था। सो यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो मेरे को दोनों सेम मिले हैं, बट कॉस्ट वाइज और फील वाइज ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ोन चूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों ही फ़ोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दूंगा।
यहाँ पे Xiaomi की तरफ से हमको वाटर रेजिस्टेंट या IP68 सर्टिफाइड फ़ोन नहीं मिलता है, लेकिन मैंने पर्सनली जब इसको टेस्ट किया था तो Redmi Note 4 वाटरप्रूफ टेस्ट में सक्सेसफुली पास कर दिया था, बट मेरे को Lenovo P2 का कुछ कंफर्म नहीं है, मैंने ना ऐसा कोई टेस्ट किया, क्योंकि मैंने कहीं भी वेबसाइट पे ये नहीं पढ़ा कि ये वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट फ़ोन है भी। और अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो दोनों में हमको 2.5 कर्व्ड ग्लास मिलता है कंपनी के द्वारा, लेकिन जो फील आता है हैंड में वो Redmi Note 4 का बहुत ज़्यादा अच्छा है Lenovo P2 से। एक्चुअली दोनों का ही अलग है, ये Redmi Note 4 का 2.5 कर्व्ड ग्लास थोड़ा ज़्यादा कर्व्ड है और थोड़ा सा ग्रिपी और ज़्यादा अच्छा फील आता है, इसमें थोड़ा बटरी फील आता है जो आप टच स्क्रीन को यूज़ करते हैं, बट ऐसा Lenovo P2 के केस में नहीं होता। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कर्व्ड ग्लास यूज़ किया गया है जो कि Redmi Note 4 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर हम सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में आते हैं तो हमको यहाँ पे Xiaomi के द्वारा MIUI 8 मिलता है, जो कि अभी फ़िलहाल मेरे पास जो है वो मार्शमेलो पे है, लेकिन जो हमको Lenovo के द्वारा मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है हमको, जो कि 7 नोगट मेरा अपडेटेड है। और दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ही डिफरेंट है, एक स्टॉक मिलता है तो आपको एक कस्टम मिलता है। MIUI तो बहुत ही शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि मैं इसको पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को इससे कोई भी शिकायत नहीं है। आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं जो कि एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस कभी नहीं दे सकता, लेकिन ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मैं किसी और को ये नहीं बोल सकता कि कस्टम MIUI ज़्यादा बेटर है स्टॉक से, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल ओपिनियन। सो अगर हम अभी सेंसर्स की बात करते हैं तो हमको दोनों ही फ़ोन्स में बहुत सारे सेंसर्स प्रोवाइडेड हैं कंपनी के द्वारा, लेकिन अगर आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मेरे को Redmi Note 4 में बहुत सारे सेंसर्स मिलते हैं जो कि Lenovo P2 में मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सेंसर्स के मामले में हमको यहाँ पे Redmi Note 4 बहुत क्लियर विनर दिख रहा है। लेकिन अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे में हमको यहाँ पे जो Lenovo के द्वारा जो स्टॉक कैमरा दिया गया है वो बहुत ही वाहियात लगा मेरे को, उससे कैमरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा घटिया हो गया इस फ़ोन का। लेकिन अगर आपको इस Lenovo P2 के कैमरे का बेस्ट एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि मैं बाद में अपलोड करूंगा, आप देख सकते हैं। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से कैमरा डिपार्टमेंट में Lenovo P2 का कैमरा बेटर है। और अगर हम वीडियो डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्लियरली 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल रहा है और डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल रहा है Lenovo के द्वारा, जो कि Redmi Note 4 में बिल्कुल नहीं दिया गया है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से Lenovo P2 क्लियर विनर है। और अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी के मामले में भी Lenovo P2 क्लियर विनर है, क्योंकि यहाँ पे हमको 5100 mAh की मैसिव बैटरी मिलती है विद फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, लेकिन हमको यहाँ Redmi Note 4 में 4000 mAh की बैटरी मिलती है विदाउट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो बैटरी के मामले में Lenovo P2 इज द क्लियर विनर। और अगर हम डिस्प्ले की बात करते तो डिस्प्ले में भी हमको यहाँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है, शानदार है IPS डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले के मामले में भी Lenovo P2 इज़ द क्लियर विनर। लेकिन अगर हम लुक्स एंड फील की बात करते हैं तो मेरे को यहाँ पे Redmi Note 4 का लुक्स एंड फील बहुत ज़्यादा बेटर लगता है Lenovo P2 से। तो अगर आप लुक्स एंड फील के लिए फ़ोन लेते हैं तो यहाँ पे Redmi Note 4 क्लियर विनर है। और अगर हम वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंसी की बात करते हैं तो यहाँ Redmi के द्वारा या Xiaomi के द्वारा कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन मैंने पर्सनली इस फ़ोन को बारिश में और नल के नीचे डाल के देखा है, ये वाटरप्रूफ फ़ोन है। कंपनी ने ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन मार्क दिया नहीं है, लेकिन ये फिर भी फ़ोन पानी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन Lenovo में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वाटरप्रूफ में हमको Redmi Note 4 क्लियर विनर है। और अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको Redmi Note 4 में 64 इंटरनल और 4GB रैम मिलता है, और लेकिन यहाँ Lenovo P2 में हमको 3GB और 32 इंटरनल नहीं मिलता है। और सेम प्राइस में हमको यहाँ Xiaomi की तरफ से ज़्यादा अच्छी रैम और ज़्यादा अच्छा इंटरनल प्रोवाइड हो रहा है। तो हार्डवेयर के डिपार्टमेंट पे भी Xiaomi Redmi Note 4 क्लियर विनर है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।